गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास क्लास फिफ्थ विद यूनिट 11, दैट इज़ टाइम। सो आज हम अपनी यूनिट 11 की एक्सरसाइज 11.1 करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। सो एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट आर इंटू मिनट। आपको क्या करना है, आर टू मिनट में कन्वर्ट करना है इन क्वेश्चंस को। तो किस टाइप से हम आर टू मिनट्स के अंदर इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है 1/4 आर। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, 1/4 आर को आपको देखिए यहाँ पे किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं, 1/4 आर को हमें चेंज करना है मिनट के अंदर। ठीक है, आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे फर्स्ट मेथड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स टू, जैसे कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हमने किया था फ्रैक्शंस वाले यूनिट के अंदर, 4 1 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 5, अपॉन में है आपके पास 4। अभी आपको पता है आर टू अगर मिनट में जाना है, ठीक है, सबसे पहले आर होता है, उसके बाद होता है आपके पास मिनट, उसके बाद होता है आपके पास सेकेंड। जब ये आपको आर टू मिनट में कन्वर्ट करना है, देन आप क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस पूरे को क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 5 और 60 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब हमने 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 300। ठीक है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 300 आ गया, अपॉन में क्या है आपके पास 4। अभी आप क्या करोगे, इस 300 को 4 से कर दीजिए डिवाइड। तो हमने इसको करना है डिवाइड 4 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, 4 7 ज़ा 28, आपके पास रिमाइंडर कितना रह गया 2, ऊपर से आया आपके पास 0, 4 5 ज़ा 20, आपके पास कितना आ गया 75। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 75 आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 75 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। और इसका सेकेंड मेथड मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसमें आपको क्या करना है। सेकेंड मेथड में आपको यहाँ पे 1 is as it is, देखिए हम सबसे पहले 1 आर को किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो आप 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद प्लस आप इस 1/4 आर को भी चेंज करेंगे, तो 1/4 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 160 को मल्टीप्लाई किया तो 61 ज़ा 60, उसके बाद आप 60 यहाँ पे 61 ज़ा 60 हो गया, 60 को 4 से डिवाइड करना है। तो जब आपने 60 को 4 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर रह गया आपके पास 2, ऊपर से आया 0, 4 5 ज़ा क्या आ गया आपके पास 20। इसका आंसर यहाँ पे आपके पास 15 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 60 और 15 दोनों को कर लीजिए ऐड, तो आपके पास 5 as it is, 6 और 1 कितना आ गया 75। ठीक है, आपको जो ईजिएस्ट वे लगे आप उसी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, सेकंड में आपके पास दिया हुआ है 2.5 आर। 2.5 आर को किस में चेंज करना है, मिनट में। ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट वे में राइट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हम इस टाइप से राइट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 5/2 आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई 60 करना है आपको। आर टू मिनट में मल्टीप्लाई 60 ही करते हैं, 6 5 ज़ा 30, देन ऊपर आ गया हमारे पास 300, अपॉन में आ गया 2। जैसे ही आप 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300। अभी आप 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर रह गया, ऊपर से आया 0, 2 5 ज़ा 10, आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये वाली 0 जो है वो इधर ट्रांसफ़र होगी, तो 150 आपके पास आंसर आ गया। तो हमने इसका आंसर निकाला 2.5 आर के अंदर, 150 मिनट हमारा आंसर आ गया। सेकेंड मेथड आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, इसको 2 आर के अंदर कितने होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 60, 120 मिनट। ठीक है, उसके बाद प्लस हाफ आर में कितने होते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 60, तो आप 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, और ये 0 जो है वो इधर ट्रांसफ़र होगी, तो क्या आ गया आपके पास 30। 120 और 30 कितना हो गया, 150। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ सभी को, इसी टाइप से आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। सभी में आपको क्या करना है, 6 तक आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन तक आर टू मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 7th नंबर पार्ट जो है, 490 मिनट को आपको आर में चेंज करना है। ठीक है, इस बार हमें मिनट टू आर में जाना है। यहाँ पे देखिए आपके पास 7th पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, 490 मिनट, मिनट टू किस में जाना है, हमें आर में जाना है। जब आप मिनट टू आर में जाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए आपको डाउन यहाँ से जाना है मिनट टू आर, तो आप क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा,
आपने 490 एज इट इज़ लिखा, अभी आप इसको 60 से डिवाइड कर रहे हो, देन आप देख सकते हैं कि लास्ट की 10 से 10 आपकी कट होगी। ये फर्स्ट वे बता रही हूँ आपको मैं इसका, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इस 49 को 6 से डिवाइड कर लीजिए बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 8 40 8, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर 1 रह गया। अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ हमारा क्वेश्चन, है ना, मिनट टू आर जब हम जा रहे थे 490 में, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे, आप इसको इस टाइप से राइट कीजिए, ठीक है। देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम ऐसे राइट करेंगे, सबसे पहले हम 8 लिखेंगे, फिर ऊपर आ जाएगा ये 6 और ये अपॉन में आ जाएगा, सॉरी ऊपर आ जाएगा 1, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो ये 8 1/6 आर हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वे में आप क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 490 को डिवाइड करना है 60 के साथ, अब 490 को कंप्लीट को आप 60 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए 60 1 60, इसी टाइप से आप आगे तक लेके जाएंगे इसको, 68 कितना हो जाएगा 480, आपके पास रिमाइंडर 10 रह गया, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इसको इस वे में लिखेंगे 8 10 by 60, अब 10 से 10 कट होगी आपकी, तो रह गया आपके पास 8 1/6 आर, ठीक है। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, क्लियर हुआ, ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ये 7th पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसका 8th पार्ट, 9th और 10th ये आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगे देन आप मुझे मैसेज कर देना, ताकि हम